ये तो माता बिना रो गीत है। पहली बात तो हुदा बेटो जान के खेत की बाड़ी बेटा हो जाओ रोजना ताणो हुदा बेटा हो जाओ। और आधा तो यूं होता है जान के भारत की ऐसी खाली टंकिया पड़ी दिखी दे। देखो नींद अटे सही है जाग रहा है। अरे ऊंचा ऊंचा देव तनीरा वो देव रे जमी नीचे रे मंजिल में वाड़ मारा देव नारायण। एक गांव में एक जीवाराम जी नाम का बासा कुण हा जीवाराम जी। अरे कोई जीवाराम जी है तो नहीं अबे तो नाराज हो दीवा या तो कहावत है। जीवाराम जी आज ये कभी बदनाम में नहीं किया कभी कथा में नहीं किया कभी जागरण में नहीं किया। एक दिन जीवाराम जी का साला जी आया क्यों जिया जी आपरे गांव में सत्संग है चलो सत्संग में चला आप भी कभी सत्संग में नहीं गया। तो जीवाराम जी का हाड़ा जी तो सत्संग में गया सत्संग में जाकर के छेटी बैठ गया क्योंकि ज्यादा खबर नहीं पड़े पहली बार सत्संग में गया। अब सत्संग में जाइन छेटी बैठ गया तो बेटा बेटा भजना पे तो ध्यान नहीं देवे। और वे जीवाराम जी बेटा बेटा कहीं देखे दूध को ड्रम पड़े थो साइड में दूध को ड्रम पड़े थो तो बड़ी दूध का ड्रम में कुत्तो दूध पीवा के लिया गंडकड़ो दूध पीवा के लिए आवे तो जीवाराम जी मन में विचार की तरह दूध खराब कर दी तो चाय को बनाई। तो जीवाराम जी अपना पांव को चंपल निकालो और धीरे को मारियो बड़ी कुत्ता रे कुत्तो तो छेटी रही चंपल पड़ी बड़ी दूध का ड्रम में। अब जीवाराम जी मन में विचार की तरह आपरो चप्पल बड़ी दूध का ड्रम में पड़ गयो आप पर चप्पल पड़वा वाला उठो रवाना हो जाओ जब बात करो। जीवाराम जी पटू धीरे धीरे रवाना होवा लाग गया। अब वे सत्संगी मन का जी केवल अगर चाय बनाओ होवे अब चाय बनावा के लिए गया दूध लेवा गया तो आगे चप्पल पड़ियो थको न चप्पल सब ओढ़ के जीवाराम जी को गांव में चप्पल सब ओढ़कता क्योंकि पूरा 12 इंच को पग जीवाराम जी को गांव में वे 21 मनक ऐसा है जो सब मोटा चप्पल बनारस बेता। अभी यो चप्पल गनो है भैया तो आपने जीवाराम जी को बुलाओ जीवाराम जी ने जीवाराम जी वो चप्पल दाणो दूध में हाँ बाप जी मारे से 1100 रुपया डंडो और एक बोरी मक्की। अब जीवाराम जी मन में विचार की तो ये चप्पल वेनी वेन पनौती है पहली बार जागरण में आई पनौती बन गया 1100 रुपया डंड ने एक बोरी मक्की मेलनी पड़ी देख लो। जीवाराम जी मन में विचार की दो अना चंपल में पीछे छोड़ाओ तो जीवाराम जी उन्हें चंपल ने लेन घरे गया और घरे जाने बढ़िया थैली में बांध दिया और गांव में कूड़ो हो बड़ी कूड़ा में जाकर के वह चंपल रही थैली नाग दी थी। अब वह थैली नागी तो एक दिन कही भी हो किसान मोटर चालू की थी खेत में पानी पावा के बात है तो खेत में पानी पावे तो वह थैली धीरे धीरे मोटर आटी फंस गई पानी आवते हुए क्यों बंद। अब किसान मन में विचार करवा लगा रहे मोटर तो चालू नहीं पानी आ तो बंद की कर वेगियो और चालो रहा मोटर ने बाहर निकालो मोटर ने बाहर निकली तो आगे बढ़िया फर्स्ट क्लास ठेली फंसी थी। अरे ठेली में कहीं देखो ठेली कोरे करने देखी तो बढ़िया जीवाराम जी का चप्पल बड़ी थैली मिल गया था ये चप्पल करना है कि ये तो जीवाराम जी का तो बुलाओ जीवाराम जी ने जीवाराम जी चप्पल दाना है बाप जी मारे से 2 कोरी मक्की और 2100 रुपया दंड। अब जीवाराम जी फिर परेशान हो गया जीवाराम जी मन में विचार कर अब कई करनो रियो जीवाराम जी वना चपला ने ले और राकड़ में गया छेटी राकड़ में गया और खेजड़ी रा पेड़ नीचे में चंपल खोल न पर आया एक माड़ा जाने अबे कोई कोई नहीं देखे ना अब वणी तने कई होयो रात में आया चोर जुई राकड़ में आया ने एक चोर रे के चंपल पेरवानी है देख चोर ने चप्पल नजर आया अंदर हाथ खांदे पड़ियो चोर ने चप्पल नजर आया चोर मन में विचार के दौरे आपने चप्पल मिल गया और कैसा है तो चोर वे चप्पल पैर और गांव में चोरी करवा गयो पूरा गांव में चोरी की ली और वे चप्पल पूर्ण आगे जाके में परो गयो चप्पल बटे भूल गयो। अब गांव रा मनक चोर ने बाड़ा चोर नहीं मिले एक आदमी के मेरे चोर तो नहीं मिलियो पर चोर का चप्पल जरूर मिल गया कटे की हटे ये चप्पल गना ही था अपने जीवाराम का। अरे जीवाराम ऐसा काम कभी करवा लगो बुलाओ जीवाराम ने जीवाराम जी ने बुलाया ये चप्पल थारा है कहां बाप जी मारा है कि चोरी का काम कभी करवा लगो बाप जी मैंने की दो 4000 रुपया दंड और 4 बोरी मक्की। अब जीवाराम जी कई करे लो जीवाराम जी अब एक उपाय लगायो घरे लेने गया वाला चप्पला ने घरे ले गया ने तीखो चक्कू पालियो चक्कू वणी चक्कू वणा चपला रा टुकड़ा किदा जाने के चक्की बर्फी का टुकड़ा वेजू नाना नाना ना, ना। 4 खुलिया टुकड़ा किदा ने थैली में भरिया गांव बाने गया और एक नोरो हो नोरो अब नोरा रही हूं कई दीवारी तो जीवाराम जी मन में विचार करे
काटी ने दिया दीवार है और अनि थैली ना अपना आश्रो अपने मनु फेंका देवा जटे पड़नी भी वटे भी पड़ी अभी तो वैसे ही टुकड़ा है। अब नोरा के अटी दीवार है अटी कई लापसी बन रही जीवाराम जी ने ठानी। अब जीवाराम जी आंखें बंद करने वाली थैली ने घुमाई और थैली हाथ में छोड़ी तो थैली पड़ी वाली लापसी रा कुंडा में जो अटी ने रसोई मंडी प्रसादी मंडी वाली लापसी रा कुंडा में वह थैली पड़ी गई। अब ठेली पड़ता ही विकर गई और वो चंपल का टुकड़ा पूरा लापसी में बह गया। अब मन के जीववा लगा और मन का मुंडा में नाना नाना टुकड़ा आवे पर हवा दी नहीं आवे मन केवल अगर एक कही है बर्फी बेचे ने तो मीठा ने खाटा है ये तो है कही एक जानकार आदमी बैठो मनी क्यों तो काटे लाओ रे कही है वना देखिया तो सब टुकड़ा ने धीरे धीरे मलाया सब टुकड़ा ने धीरे धीरे मलाया तो पासा जीवाराम जी का चप्पल तैयार हो गया। तो केवा को मतलब उठिया रहते तो ही करम हाते हैं नाम भले ही विद्या दर्जी राग ले वो नाम भले ही विद्या दर्जी राग ले वो अंगूठो छाप वे तो वो नाम भी कई काम को नाम तो भले ही नैन सुख जी वे कई नाम वे नैन सुख जी न दो ही आंखियों आंधा वे दो ही फ्यूज फोल्ड वे तो वो नाम भी कई काम को भाई को नाम लक्ष्मी भाई वे ने माता में बच बच जुआ खाती वे तो वो नाम भी कई काम को भाई को नाम संतोष भाई वे बिल्कुल संतोष नहीं उठ बर्बाद पूरा गांव लड़ाया करती भरे तो वो नाम भी कई काम को अरे नाम तो जड़ा भाई वे न पगा में तांबारा कड़ी लिया नहीं फेर रखे वे तो वो नाम भी कई काम को। तो बतायो है कि इंसान को जिसो नाम देने विषय कर्म भी मिलना चाहे और अगर आप ही भगवान को नाम नहीं ले वाला तो जीवाराम जी का संपल की कर घूमिया जो आपने घूमना है सभी मारा साथ में गाओ ना ऊंचा ऊंचा देव तनीरो देव अमी नीचे रे माजिल मेवाड़ बेरुजी थोरे कोई बच्चों स्कूल में जावे मार साहब आज नहीं बुलावे तो जत्रे हाजरी नहीं बोले वत्र आयो नहीं आयो बराबर है आपने बार बार नहीं क्यों बोला मारा देवतनी जी शरण बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि राम को नाम घणो दोरो निकले घणो दोरो लेनो पड़े। अब आर याद नहीं आवे बुढ़ापा में याद आवे बुढ़ापा को कार्यक्रम भी आपरा बीच में है कलाकार तैयार वेरियो है चेतावनी भजन है आपरा बीच में थोड़ी देर बाद दुखिया तो आवे जामी हो जाती नमस्कार श्रीमान गुलाब सिंह जी सोलंकी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओ अरे हालेला ने देवतनी की जोत जगाती रे माईरा जोत जगाती रे अरे हर मारा भाई Yeah.